संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर एक बार फिर जोर दिया गया है। खासकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार मजबूत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक से अलग भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। इन G4 देशों के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा की बैठक से अलग वर्चुअल बैठक की। G4 देशों की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में और इसकी अहम निर्णय लेने वाली इकाइयों में तुरंत सुधार की मांग की जा रही है। चीन का नाम लिए बगैर G4 देशों ने दो देशों के बीच बातचीत और नेगोशिएशंस में अधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए टेक्स्ट नेगोशिएशंस या कहें कि लिखित नेगोशिएशंस के फ्रेमवर्क में भी एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। G4 देश लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी अस्थायी दोनों कैटेगरीज में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए ये सुधार बेहद आवश्यक हैं। साथ ही अफ्रीकी देशों को भी उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सितंबर की शुरुआत में भारत के संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने UNGA अध्यक्ष को G4 देशों की तरफ से इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था।